हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड सम। आज मैं शेयर करूंगी एक पनीर की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है पनीर भुर्जी। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे मैंने बनाया है। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर का एक ब्लॉक, एक बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है, ये हाफ कप होगा। एक कैप्सिकम को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये भी आधा कप है। एक बड़े साइज़ के प्याज को भी बारीक चॉप कर लिया है, ये भी आधा कप है। और 1/4 कप चॉप्ड हरा धनिया। हल्दी पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट अपने स्वाद के हिसाब से लेंगे और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 ग्रीन चिली को बारीक चॉप कर लिया है डीसीड करके। सबसे पहले पनीर को ग्रेट कर लेंगे। मैंने एक ग्रेटर लिया है, ये बड़े वाले जो छेद है उससे ग्रेट करेंगे तो पनीर के जो पीसेस है वो अच्छे से दिखेगा। देखिए मैंने सारे पनीर को ग्रेट कर लिया है। तो अभी कुकिंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गरम करने के लिए रखा है, इसमें ऑयल को डाल देंगे और ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल जब अच्छे से गरम हो जाए तभी इसमें जीरा डालेंगे और जीरा को थोड़ा सा भूनेंगे कलर चेंज होने तक। जीरा जब अच्छे से भून जाए तभी इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। ये मेरा प्याज भून चुका है, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो अभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसे डाल के भी 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। ये भून चुका है, अभी इसमें डालेंगे हरी मिर्ची और कैप्सिकम। कैप्सिकम डालने के बाद भी इसे 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुका है, अभी इसमें टमाटर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इस टाइम में इसको थोड़ा सा ढक देंगे और ढक के 5 मिनट तक कुक करेंगे ताकि जो सब्जियां हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। 5 मिनट बाद खोलने के बाद देखिए सारे चीज़ें सॉफ्ट हो गए हैं, कैप्सिकम का कलर भी चेंज हो गया है, ये सारे चीज़ें पक चुका है। अभी इसमें मसाले डालेंगे, ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये अपने हिसाब से आप बड़ा घटा सकते हैं क्योंकि हरी मिर्ची भी डाला है, ये धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। अभी सारे मसाले को अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले जब अच्छे से भून जाए तभी इसमें पनीर डालेंगे। आप इसमें हरे मटर भी डाल सकते हैं। ये मसाला भून गया है, अभी इसमें पनीर ऐड कर देंगे। पनीर ऐड करने के बाद ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो इसमें नमक डालेंगे, पहले भी नमक डाला हुआ है तो पनीर में कम नमक ही अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा नमक और ऐड किया है मैंने। और इसको अच्छे से सारे चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है और चपाती के साथ, पराठे, रोटी के साथ, सभी के साथ अच्छा लगता है, झटपट बन भी जाता है। तो अभी इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको जस्ट एक बार मिक्स कर लेंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है, गैस बंद करने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेना है 2-3 मिनट के लिए, बस ये रेडी है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही इजी है और रोटी के साथ गर्मा गर्म बहुत ही अच्छा लगता है।
ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।